Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 27 to 39. मैंने ये ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हमारी सेकेंड क्लास की जीके की बुक है, जिसके हम टू पार्ट वीडियोज़ को बना चुके हैं, जिसमें 13 चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम इसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारी जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमें दे रखा है इंडियन क्लासिकल डांस। डांस इज अ फॉर्म। डांस क्या है? एक फॉर्म है किसकी? ऑफ आर्ट, कला की ही एक फॉर्म है। डिफरेंट डांस फॉर्म्स आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो अलग अलग तरीके के डांस होते हैं वो उनको परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अपना अपना डांस होता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है बिहू। बिहू डांस कहाँ का होता है? बिहू होता है आसाम का। इसके बाद गरबा। गरबा कहाँ का होता है? गुजरात का। इसके बाद है दमहार। यहाँ पर हमें जो बताया गया है, इस यूनिफॉर्म को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये यूनिफॉर्म कहाँ पहनी जाती है। ये पहनी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कथकली। कथकली हमारा जो डांस होता है वो होता है केरला का। इसके बाद नंबर 5 पे है कचिपुड़ी। कचिपुड़ी डांस किया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो भांगड़ा है ये सबसे फेमस डांस है और ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पंजाब में। इसके बाद है फैक्ट टू नो। सुधा चंद्रन परफॉर्म भरतनाट्यम। सुधा चंद्रन जो एक्ट्रेस है वो भरतनाट्यम डांस करती है विद एन आर्टिफिशियल लेग। उनकी एक जो टांग है वो एक्सीडेंट में कट जाती है, तो उनकी जो दूसरी टांग है ना वो आर्टिफिशियल है, बट उसको लगा कर भी वो क्या करती है? भरतनाट्यम डांस करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिल्मी स्तर। यहाँ पे जो ये फिल्मी सितारे हैं इनकी पिक्चर्स दी गई हैं और हमें ये पहचानना है कि ये कौन है। हिंदी सिनेमा इज नोन एज बॉलीवुड और द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारे भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड इज लोकेटेड इन मुंबई। और बॉलीवुड कहाँ पर है? मुंबई में है। तो यहाँ पर आपको बॉलीवुड पर्सनैलिटी की पिक्चर दे रखी है। सबसे पहले ये जो पिक्चर है बहुत ही फेमस जो एक्टर है ये है नाना पाटेकर। इसके बाद ये हमारी सम्राट स्मरागी जो सबसे ज़्यादा गाने गाने के लिए, इनकी जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा सुरीली है, और इनका नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। ये हैं परेश रावल। जो ये रोल करते हैं वो बड़े ही हास्यपद रोल होते हैं इनके, परेश रावल। इसके बाद ये भी एक संगीतकार है, इनका नाम है सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान। इसके बाद नेक्स्ट हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ये हैं मिस वर्ल्ड रही हुई हैं सुष्मिता सेन।
सुष्मिता सेन। इसके बाद नेक्स्ट, इन महान हस्ती को हर कोई जानता है, इनका नाम है अमिताभ बच्चन। ये एक्ट्रेस, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। और ये हैं राजू श्रीवास्तव, जो हंसाने का काम करते हैं। राजू श्रीवास्तव। अब इसके बाद आता है आपका फैक्ट टू नो। यहाँ पर आपको पता है कि जो अक्षय कुमार जी हैं, उनका जो रियल नेम था ना, वो था राजीव हरिओम भाटिया। और जो चाइना के अंदर जैकी चैन हीरो हैं, उन्हीं की तरह अक्षय कुमार को भारतीय जगत का जैकी चैन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्टून करेक्टर्स। द आर्टिस्ट हु ड्रा कार्टून इज कॉल्ड अ कार्टूनिस्ट। एक ऐसा कलाकार जो कार्टून बनाता है, उसको कार्टूनिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ कार्टून दिए गए हैं जिनको हमें पहचानना है। ब्लैंक स्पेंस अ वेब टू सेव पीपल। ये क्या करता है, लोगों को बचाने के लिए जाल बनाता है। तो ये कौन है, ये है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है मिकी माउस। मिकी माउस वॉज क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट है वॉज क्रिएटेड बाय वेरन क्रेमर। इसको किसने बनाया था, ये है रिची रिच। आप लोग सब कार्टून देखते हो, आप सबको पता होगा इनके नेम, ये है रिची रिच। नेक्स्ट ये है हमारा छोटा भीम। छोटा भीम ये कृष्णा, और ये टॉम। इसके बाद है ओड वन आउट। इसके अंदर से जो डिफरेंट है उसको बताना है आपको। फर्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है, यहाँ पे है एरोप्लेन, ये हेलीकॉप्टर है, ये बस है, और ये रॉकेट है। तो आपको ये बताना है कि इनके अंदर से ओड क्या है। बस ओड है क्योंकि ये सारे तो एयर में रहते हैं और ये रोड पे चलती है। नेक्स्ट है यहाँ भी फ्लावर है, आपको तीनों फ्लावर हैं, एक लीफ है। जो डिफरेंट है वो लीफ है, क्योंकि ये तो सारे फ्लावर हैं और ये लीफ है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो डिफरेंट है वो आपका चेस है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आउटडोर गेम हैं और इसको हम इंडोर खेलते हैं। नेक्स्ट है जो आपका डिफरेंट है, ये बर्ड है, क्योंकि ये केवल ऐसा बर्ड है जो फ्लाई करता है। पेंगुइन, कीवी और ओस्ट्रिच, ये तीनों ही उड़ नहीं सकते। ये रनिंग बहुत फास्ट करते हैं बट ये उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्रिकेट है, ये गेम खेलने का है, और ये तीनों हाथ से बजाने के लिए हैं। नेक्स्ट है अगर आप क्लास में रहते तो कैरम बोर्ड, डस्टर और चौक दिखाई देता है, क्लास में वेजिटेबल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ आपको ओड वन आउट का मतलब ये होता है कि यहाँ आपको चार चीज़ें दी गई हैं, उनमें से एक डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नंबर्स गेम। नंबर्स गेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं जिनका आंसर देना है। हाउ मैनी शॉक्स आर देयर इन थ्री पेयर ऑफ शॉक्स। अब आपको बताना है,
अगर आपके पास थ्री पेयर शॉक्स हैं, एक पेयर के अंदर टू शॉक्स आती हैं और आपके पास है थ्री पेयर, तो आपके पास कितनी शॉक्स हो जाएंगी? सिक्स। इसके बाद है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर आपने देखा होगा, जीरो से लेके नाइन तक हम देखें तो सबसे बड़ी डिजिट आती है नाइन। अब इन्होंने कहा है थ्री डिजिट लिखनी है, तो हम नाइन नाइन और नाइन थ्री डिजिट रिटर्न कर दी हमने। फिर है सुमन बोट टू डजन बनाना। अब एक डजन में कितने होते हैं? ट्वेल्व। तो टू डजन में कितने हो गए हैं हमारे पास? 24 हो गए। सी एट हाफ डजन, हाफ डजन में होते हैं सिक्स, तो उसने खा लिए, तो अब उसके पास कितने बच गए हैं? 18 बनानाज बच गई। हाउ मैनी ईयर्स आर दियर इन अ सेंचुरी। एक सदी के अंदर कितने साल होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है हाउ मैनी ऑरेंजेस मेक अ डजन, कितने होते हैं उसके अंदर? 12 होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल यू गेट इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 200 फ्रॉम 500, कि आपको क्या मिलेगा अगर आप 500 में से 200 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 300। नेक्स्ट हमें दे रखा है हाउ मैनी डेज मेक आ लीप ईयर। आपको पता होगा नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, बट जो ईयर लीप का होता है वहाँ पर 366 डेज होते हैं, और यही वन डे बढ़कर फरवरी में मिक्स हो जाता है, और उस साल जो फरवरी का महीना होता है वो 29 डेज का होता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं? फोर्टनाइट में होते हैं 14। हाउ मैनी आवर्स मेक अ डे, कितने घंटे होते हैं एक दिन के अंदर? तो 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स एंड 360 डे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट। आपको पता है सबसे जो छोटी डिजिट होती है वो होती है 00, बट अगर हम 000 लगा देंगे तो वो कोई डिजिट नहीं बनेगी, तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 100। और अगर आपको ग्रेटेस्ट लिखनी हो तो सबसे बड़ी होती है आपकी 99। इफ़ यू डिवाइड 20 चॉकलेट्स, आपके पास 20 चॉकलेट हैं, आपको डिवाइड करना है इनको इक्वली अमंग फोर चिल्ड्रन। फोर चिल्ड्रन के अंदर अगर आप फोर की टेबल बोलोगे तो यहाँ पे आएगा 5, तो आप एक बच्चे को 5 चॉकलेट दोगे और वो इक्वली इक्वली क्या हो जाएगी, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिनको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। हाउ मैनी 20 रुपीज़ नोट विल मेक 100 रुपीज़, कि अगर 20-20 के आपके पास नोट हैं, 20 रुपीज़ का नोट है, तो आपको ये बताना है कि कितने नोट होंगे जिससे कि आपका 100 बन जाए। 100 बनाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास 20-20 के 5 नोट होने चाहिए। फिर आता है इफ़ यू डिवाइड 16 रुपीज़, आपके पास 16 रुपीज़ है और आपको करना है इसे डिवाइड अमंग फोर स्टूडेंट, फोर बच्चों में, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो हर एक बच्चे को 4-4 रुपीज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव। आपने देखा होगा स्क्वायर क्या होता है, इस तरीके का होता है, आपको साइड बतानी है इसकी, कितनी साइड है? 4 साइड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बीइंग पोलाइट। यहाँ पर आपको क्या करना है, बीइंग पोलाइट मीन्स शोइंग रेस्पेक्ट इन मैनर एंड स्पीच, कि आपको अपने मैनर्स में और स्पीच में क्या करना है, रेस्पेक्ट दिखाना है। यहाँ पे आपको दो तरीके के फेस बनाने हैं, ये है स्माइल वाला और ये है आपका
दुखी वाला, सैड फेस। तो आपको यह बताना है कि ये जो मिलकर खाना खा रहे हैं तो ये कौन सा फेस बना सकते हैं हम इसका, हैप्पी वाला, कि ये बहुत खुशी की बात है। इस तरीके से आप फेस बना सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक चला रखा है, तो ये अच्छा है? नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम इसको सैड फेस बना देंगे। अब इसको स्टेयर से ये धक्का दे रहा है, तो ये भी गलत है। कभी भी किसी को भी स्टेयर से धक्का नहीं देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, इनको दिखाई नहीं देता और ये हाथ पकड़ कर रास्ता दिखा रहा है, तो ये गुड मैनर है, हम इसमें स्माइल बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये भी क्या है, गुड मैनर। इसके बाद ये अपनी नोज को साफ कर रही है हैंकी से, ये भी क्या है, गुड मैनर। ये गेम खेलते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, बैड मैनर। यहाँ पर ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, बैड मैनर। इसके बाद विच वे, आपको यहाँ पर एक, यहाँ पे आपको शॉप दिखाई दे रही है, ये कपड़ों की शॉप है। यहाँ पर आपको हार्डवेयर की शॉप दिखाई दे रही है, ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ लिखा हुआ है, हाय माय नेम इज नेहा, आई लिव हियर, दिस इज माय नेबरहुड। नेहा यहाँ रहती है और ये कहीं भी जाती है तो आपको बताना है कि वो लेफ्ट की तरफ चलेगी या राइट की तरफ चलेगी। तो इसने पूछा है, व्हेन माय फादर गोज टू द बैंक। अब आपको ये देखना है कि बैंक कहाँ पर है। यहाँ बैंक दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा है कि अगर वो बैंक के लिए चलते तो कैसे चलेंगे, वो अपने घर से निकलेंगे तो राइट वे, उसके बाद फिर यहाँ से राइट वे, यहाँ से निकल के राइट आए, यहाँ से राइट आए और इधर चले तो वो लेफ्ट हुए, तो राइट राइट एंड लेफ्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऑन संडे वी गो टू शॉपिंग मॉल टू हैव सम फन एंड टू बाय समथिंग। अब यहाँ पे शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे गई थी संडे को, तो इसको यहाँ पर जाने का जो रास्ता दिखाना है, तो सबसे पहले अपने घर से निकल के ये राइट आए, फिर लेफ्ट आए और फिर लेफ्ट आए। इसके बाद नेक्स्ट है, आई वॉक राइट लेफ्ट एंड देन राइट टू रीच द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट कहाँ पर है, ये रेस्टोरेंट रहा। यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले ही अपने राइट चली, फिर लेफ्ट चली और फिर राइट की तरफ चली। इसके बाद है, व्हेन आई फॉल सिक, जब वो बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल जाना है, तो उसने अपने घर की, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से निकल के लेफ्ट की तरफ जाएगी, ये हॉस्पिटल है। इसके बाद है, जब उसे स्कूल जाना होता है तो पहले राइट चलती है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट चलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाते हो, जहाँ पे ग्रीन ग्रोसर शॉप होती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो या खुद अकेले जाते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स दिखाई देती हैं, आपको यहाँ पे उनके नेम रिटर्न करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है ओनियन। ऑनियंस सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है टमाटो। टमाटोज, ईएस लगेगा, टमाटोज। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको जो दिखाई दे रही है वो है जिंजर। जिंजर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको जो दिखाई दे रही है वो है पीज, मटर। फाइव पे है आपको POTATOES, पोटैटोज। इसके बाद ये बहुत सारे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ये जिनको बिल्कुल भी अच्छी
नहीं लगती, इसको बोला जाता है कॉलीफ्लावर, गोभी। कॉलीफ्लावर्स। इसके बाद ये है कुकुम्बर, खीरा। नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका गार्लिक, लहसुन। नेक्स्ट कैरेट। इसके बाद स्पेंच, पालक। नंबर 11 पे आपको जो दिखाई दे रहा है, नंबर 11 पे वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल्स। इसके बाद आपका लास्ट वन बच गया, इसको बोला जाता है पंपकिन। पंपकिन, पंपकिन मैंने होता है कद्दू। इसके बाद 35 चैप्टर जो आपका है, यहाँ पर आपको योगा दे रखा है। योगा में आपको क्या करना है, ये है आपका प्रेयर पोज। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैंड स्टेट। सबसे पहले सीधे खड़े होना है, फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ना है, और फिर अपनी आँखों को क्लोज करना है। इसके बाद है, इस पोज के अंदर आपको एक तरफ झुक जाना है, अपनी कमर को बेंड करना है। और यहाँ पर है आपको योगा के कुछ रूल की, योगा आपको सुबह सुबह करना है, ओपन एरिया के अंदर करना है, चाहे आप गार्डन में जाओ या पार्क में जाओ, या फिर आपको क्या करना है, योगा को हमेशा मैट पर बैठकर करना है, और जब भी आप योगा करते हो आपको बिल्कुल शांत रहना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्डली नॉलेज। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है ना वो कौन सी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बुर्ज खलीफा के नाम से जो जानी जाती है। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कंटिनेंट इन द वर्ल्ड विच हैज नो डेजर्ट, ऐसा कंटिनेंट जहाँ पर कोई डेजर्ट नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है, वो है यूरोप। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील रिवर। इसके बाद नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ नेपाल के, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी है येन। इसके बाद लास्ट आपका आ गया राइमिंग वर्ड, आपको दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले ड्राई, ड्राई किसका आएगा, स्काई का। इसके बाद गेन, गेन आएगा रेन का, गेन रेन। इसके बाद है बैंड, बैंड से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैंड, ये रहा आपका हैंड बैंड। अब यहाँ पे है कॉल, CALL कॉल, DOLL डोल। नेक्स्ट है क्रेब, ग्रेब, क्रेब। इसके बाद नेक्स्ट है केबल, आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है, टेबल के साथ आएगा केबल। यहाँ है डीप, लास्ट की आपको स्पेलिंग मैच करनी है, EPP स्लीप डीप। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है किंग, अब आपको यहाँ पे ING देखना है, पीछे किसी किसी के अंदर भी अगर आपका ING लगा हुआ है तो ये रहा रिंग, किंग। गोट, पोट, केस। अब आपको यहाँ पे CASE, यहाँ पे केस, रेस। स्टिफ,
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिफ, स्टीफ, ब्लेम, ब्लेम के साथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लेम, BLAME, ब्लेम। इसके बाद है चैन, चैन का आपको ट्रेन दिखाई दे रहा है CHAIN, चैन। बैक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पैक, बैक। और रे, बे। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं जिनकी जो लास्ट साउंड होती है वो आपस में मैच करती है, जैसे ग्रैब, क्रैब, रेस, केस, पैक, बैक, क्लिफ, स्टिफ, स्काई, ड्राई, रिंग, किंग, रेन, गेन, पॉट, गॉट, डोल, कोल, हैंड, बैंड, ट्रेन, चेन, टेबल, केबल, बे, रे, स्लीप, डीप, फ्लेम, ब्लेम। और इसके साथ ही आपकी सेकंड क्लास की जो जीके की बुक है वो हो चुकी है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।